हैं। ये तस्वीरें पहली बार दिखाई दी हैं जिस दौरान राजनारायण के परिवार से मिलने नरेंद्र मोदी पहुंचे, सांत्वना देने पहुंचे परिवार को। मेरे बड़े भाई हो गए थे, बड़े माँ जी हो गए थे, ये हमारा बाबूजी का माँ है, दोनों कश्मीर में, दोनों का बारामूला में जी सर। मैं 19 साल हो गया, 11 साल। आप तो पहुंच नहीं पाए थे सर, मैं नहीं पहुंच पाए, ये पहुंच गए थे, ये नहीं पहुंच पाए थे। और इनके पिताजी बीजेपी के हर रैली में जाते थे और इस बार भी चोरी छिपे गए, करते थे, बोलते थे कि सर की फसल तो कल पट जाएगी लेकिन भाषण कल सुनने के लिए हमारे पास नहीं मिलेंगे, मतलब बोलते मोदी जी के भाषण सुनने जाएंगे तो सुनने जाएंगे कौन स्पोर्ट हो गए। इतना तक था कि नदी पूरा भरा हुआ था, पूरा जान मतलब, लेकिन देखते रह गए, लेकिन बाबू जी चले गए हाथ में से करके। देखिए उतना दूर जाएंगे तो भाषण छूट जाएगा, नदी लांग कर चलेगा। अब तो रोजगार लड़का है, इनको भी देखना पड़ता है, माँ को भी देखना पड़ता है, ये लोग तो कभी कभी आते हैं सर। हिम्मत रखिए भैया, देखेंगे हम लोग करेंगे यहाँ पर आर्थिक सहायता के लिए, पालन पोषण के लिए निकल तो बोलेंगे आप तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान राजनारायण के परिवार से मिलकर नरेंद्र मोदी बाहर निकले। ये उनका इस तरह का पहला दौरा है जब वो किसी परिवार से मिलने पहुंचे हैं, सांत्वना देने पहुंचे। लेकिन देखिए ये अपने आप में अलग तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, जिस दौरान देश का नेता कैसा हो इस तरह के नारे भी वहां पर लगे। और इस बीच खबर ये आ रही है कि पीड़ित परिवार को बीजेपी की तरफ से 5 लाख का चेक दिया गया है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जिस दौरान पीड़ित परिवार से मिलने नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान सुशील मोदी परिवार के बारे में नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे थे, कौन कौन परिवार के सदस्य हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह की परिवार की माली हालत है, इस बारे में जानकारी देते हुए। ये तस्वीरें तो आपको हम लगातार दिखा ही रहे हैं, साथ ही नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। विडंबना ही कहा जाएगा इसे, राजनारायण वो शख्स हैं जो इस रैली में शामिल हुए थे, बीजेपी की कोई रैली नहीं छोड़ते थे। उनकी इच्छा थी कि वो नरेंद्र मोदी का भाषण सुने, कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, इस इच्छा के साथ इस रैली में शामिल हुए थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जब उनके घर पहुंचे हैं तो राजनारायण इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। जिस दौरान सांत्वना देने पहुंचे परिवार के साथ मौजूद थे, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई पीड़ित परिवार के साथ,
वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश, ये बातचीत हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, काफी भावुक बातें सामने आई जिसमें परिवार ने नरेंद्र मोदी को ये तक बताया कि फसल काटने के काम को नजरअंदाज किया राजनारायण ने, लेकिन कहा कि भाषण दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए भाषण सुनने जाना जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, पीड़ित परिवार से पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके बेटों ने यह कहा था मुझे कि नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने को लेकर उनमें काफ़ी बेचैनी थी, और ये बात उन्होंने अपने बेटों को जब बताई कि वो हर हाल में नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं। उनकी उम्र 65 साल थी, बावजूद उन्होंने कोई हिचक नहीं की, गांधी मैदान यहाँ से करीब 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, बावजूद वो हर हाल में वो जाना चाहते थे और नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर खासतौर से काफ़ी उत्सुकता थी। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के प्रति जो राजनारायण सिंह का जो एक समर्पण का है वो साफ तौर पर दिखाई देता है, और जब आज नरेंद्र मोदी खुद उन परिवार से मिलने पहुंचे तो जाहिर है परिवार के लोगों के जो कहें कि आंखें छलक उठी, और पूरा गांव कहें पूरा गांव यहां पे खड़ा था। बिल्कुल, तस्वीरों में भी वो दिखाई दिया कि किस तरह से भाव आंसुओं में बह गए और नरेंद्र मोदी ने भी वो सांत्वना उस परिवार को दी।